This is an ABP Life podcast. सबके लाइफ में थोड़ा खुशी थोड़ा गम इक्वली बटा हुआ है और इसके साथ जीने को ही जिंदगी कहते हैं। हर फिल्म हर गाने में ये क्लीशे लाइन सुनने को मिलता है, राइट? डिप्रेस्ड लोग अपने आप को ये लाइन बेच बेच के तसल्ली देते हैं दैट दिस इज लाइफ इंक्लूडिंग मी। हाँ, बट द क्वेश्चन इज ये गम काहे खत्म नहीं होता बे? और इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही दुखी आत्माएं रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है। जी हाँ, हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एक एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें 137 देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स रहता है। अब इस हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको क्या लगता है, इंडिया का क्या रैंक होगा? फुल डिस्क्लेमर, शर्मा जी के बेटे वाला रैंक तो बिल्कुल ही नहीं आया है इंडिया का। 137 देशों में से इंडिया रैंक 125th। इंडिया माइट बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट खुशी खुशी नहीं है देश में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, चाइना इस हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। श्रीलंका, जिस देश का पिछले साल दिवाला निकल गया था, वो भी हमसे इस हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। और यहाँ हम सब दुखी आत्माएं बैठे हैं। वैसे इस हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे अफगानिस्तान आया है और सबसे खुश सबसे हैप्पी देश कौन कौन से बता? फर्स्ट पोजिशन पे है फिनलैंड, सेकेंड पे डेनमार्क, थर्ड पोजिशन पे आइसलैंड, फोर्थ पोजीशन पे इजराइल और फिफ्थ पे नेदरलैंड्स। कुछ बड़े बड़े देश जैसे कि कनाडा 13th पोजीशन पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15th पे और यूनाइटेड किंगडम 19th पोजीशन पे। पर अब सवाल ये बनता है कि इंडिया इतना दुखी क्यों है? हम लोग कुछ ज्यादा ही डिप्रेस नहीं है? और इतना गम हमें है किस बात का? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने आज हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट मिस अरूबा कबीर। तो नमस्ते, मैं रुद्रशीश और आप सुन रहे हैं FII ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सो हेलो एंड वेलकम टू FII मिस कबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने अपना एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है जिसमें इंडिया का रैंक काफी बैक बेंचर वाला आया है। इंडिया के रैंक के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को लेंगे, मान लीजिए इंडिया में अलग अलग स्टेट से लोग लिए गए होंगे और उनको कुछ असेसमेंट दिए होंगे। ये एक लैडर जैसा होता है जहाँ पे जीरो अगर आप मार्क करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ही खराब चल रही है। अगर आप 10 करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बेटर चल रही है। नाउ आई एम एज्यूमिंग कि जो भी इन्होंने ये किया है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल इन्होंने लिया होगा, उन्होंने सबने वैसे ही मार्क किया होगा 0 to 5 के बीच में, एंड दैट इज द रीजन हम लोग इतना पीछे है। तो यही होता है हैप्पीनेस इंडेक्स स्केल। और हर देश मोस्टली या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च करते रहते हैं हर 6 महीने में, साल में, ताकि पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, क्या प्रॉब्लम्स है और हम उनका कैसे सोल्यूशन निकाल सके। एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया रैंकिंग 125 इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज मेरे व्हाट्सएप में जो जितने भी दोस्त थे काफी सैड सैड स्टोरीज लगाते, तो आई वंडर व्हाई इंडिया रैंक्स एट 125। सो एनीवे, अच्छा कमिंग टू इंडियाज परफॉर्मेंस, इंडिया रैंक 125th, जो कि काफी डिस्ट्रेसिंग है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे ऊपर है। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, देश इतना दुखी क्यों है? आई थिंक दैट इज वाई इतना दुखी है, बिकॉज हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अब लोगों को नहीं पता हम उसमें फिट कैसे करें। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इतनी रैट रेस आ गई है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, प्लेटफॉर्म्स बहुत है। हर किसी को लगता है अरे यू नो आई एम मिसिंग इट, आई एम नॉट इनफ फॉर इट, आई डोंट नो इट,
वुड आई गेट इट. वो चीजें है ना, उसकी वजह से इंसान को ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे टोल आता है और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स गिरता है. अगर हम लोग जैसे अगर मान लीजिए भूटान है, नेपाल है, उनको पता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, चीजों की कमी है, वो उसी में खुश है. बट हमें पता है बस मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास तो है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट मुझे नहीं पता उनको यूज कैसे करना है. सो आई गेस दैट इज व्हाट इज गिविंग अस मोर, कि हमें इतना ज्यादा हो रहा है कि अरे माय लाइफ इज नॉट गोइंग गुड. एग्जैक्टली, वी डोंट नो हाउ टू बैलेंस इट. एग्जैक्टली, चाहे जितना भी हो जाए कम ही है. एग्जैक्टली. अच्छा, इंडिया में हमने हाल ही में कुछ बहुत ही डरा देने वाली इवेंट्स देखे, जैसे कि श्रद्धा मर्डर केस, IIT में अ नंबर ऑफ सुसाइड्स, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो हम सुनते ही रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस. एंड नाउ मिक्स्ड विद दैट, ग्लोबल रिसेशन के वजह से मास लेऑफ्स, एंड क्लियरली इन सबका असर हम सबको मेंटली अफेक्ट करता है टू सम एक्सटेंट. सो आपको क्या लगता है कि इतने टर्बुलेंट टाइम्स में हमें अपने आप को मेंटली सेन, मेंटली स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस? द ओनली थिंग आई टेल पीपल इज कि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, बट उससे पहले आपको एक स्टेप लेना चाहिए पीछे और अपना ख्याल रखना चाहिए. आप ये ना सोचे कि अरे मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. आप ये सोचे कि मैं ये तब कर सकता हूँ जब मेरा, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो फिजिकल हो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब मैं अच्छे से सोच पाऊंगा. सो आई ऑलवेज टेल पीपल टेक अ स्टेप बैक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. पहले खुद पे ध्यान दें, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है. आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं ले रहे जितना आप हैंडल नहीं कर सकते. आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो नहीं कर रहे जितना आपके पास है नहीं. आप लोगों के साथ कंपैरिजन में तो नहीं लगे हुए, उनके पास है रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, बट आप कर्जा लेके कर रहे हैं, लोन्स लेके कर रहे हैं चीजें. इट इज अ लॉट. और पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि दूसरों के बच्चों को ना देखिए उनके बच्चे क्या करें, आप अपने बच्चे का देखिए उनका स्टेमिना क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है. क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग जर्नी होती है, उनके रिसोर्सेज क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके माता पिता का एजुकेशन क्या था, रिसोर्सेज क्या थे. बट आप अपने बच्चे को कहते वो भी तो डॉक्टर बन गया, वो भी तो पायलट बन गया, तुम क्यों नहीं बन सकते. तो वो एक प्रेशर आता है इंसान पे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना. आई वुड जस्ट से अगर आप चाहते हैं इन सब टर्बुलेंट टाइम्स के साथ आप स्ट्रगल कर सके, फाइट बैक कर सके, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. वो सिंपल सा है, आप एक्सरसाइज करें, टाइम से खाना खा लें, अपना न्यूज इनटेक, कंटेंट इनटेक थोड़ा कम करें, अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम बनाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ये जानें कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य कैसा है. अगर डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जाए, किसी से बात करें, अपने आप को टाइम दें. इसकी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली. एंड डू यू थिंक इस जिस रेट पे इंडिया ग्रो कर रहा है और जिस रैपिड ग्रोथ के लिए लोग अपने आप पे टाइम नहीं दे पाते, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इंडिया इज सो अनहैप्पी. यस, एब्सोल्युटली. एंड एज आई सेड कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस ग्रोथ के लिए कोई तैयार नहीं कर रहा है. आपको अगर स्कूल में हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को कोई धीरे धीरे ये नहीं सिखाता है कि 12th के बाद अलग स्ट्रगल्स होंगे आपके. आप 12th तक आप उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, हर चीज में साथ देते हैं, उसके बाद आप उनको कॉलेज में छोड़ के वो प्रेशर नहीं झेल पाते. उनको आप नहीं समझाते, उनके साथ आप वैसा व्यवहार नहीं करते कि जैसा आपको करना चाहिए एक यंग अडल्ट के साथ. आप उनको वो फ्रीडम नहीं देते, जब वो डिसीजन अपने नहीं ले पाते. वैसे ही ऑफिस में आप कॉलेज से निकले हुए होते हैं, बहुत छोटे उस मतलब मान लीजिए पॉन्ड में है आप, और फिर आपको ओशन में जाना है. आपको पता ही नहीं मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करनी है, हाउ मच इज टू मच. आजकल हम अक्सर देखते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो रन अ बिजनेस, नए लोग आते हैं, रिटेन करना बहुत मुश्किल है. पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज बट दे हैव लेस पेशेंस.
एग्जैक्टली इससे पहले कि वो गलती करे और आप उनको समझाए कि क्या सही है, अगले दिन बहुत अच्छा लव लेटर एज रेजिग्नेशन आ जाता है कि हम तो करेंगे ही नहीं. तो वो पेशेंस, वो जो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो बहुत बढ़ गया है. और ये हमारी फास्ट पेस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बट वी डोंट नो हाउ टू यू नो हार्नेस देम. एग्जैक्टली. अच्छा, नाउ कमिंग फ्रॉम एन अनहैप्पी कंट्री टू द हैप्पीएस्ट कंट्री, फिनलैंड इस बार के हैप्पीनेस इंडेक्स पे फर्स्ट पोजीशन पे. तो फिनलैंड में ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा, और क्या हमें भी उस चीज को अडेप्ट करना चाहिए? टेकिंग टाइम टू योरसेल्फ. मेरे काफी सारे इंडियन क्लाइंट्स फिनलैंड में है, चाहे वो पढ़ाई करें चाहे जॉब करें. यहाँ से जाने के बाद उनको लगे बहुत बोरिंग प्लेस है, और जब मैं अपने क्लाइंट से पूछती थी क्यों, कहते कि अरे वो 5 बजे चले जाते हैं, वो चिल करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो संडे को पिकनिक मनाते हैं. दे हैव एक्चुअली स्लो डाउन द प्रोसेस, एंड दैट इज द डिफरेंस हमारे यहाँ पर. अगर हमारे घर में एक बच्चा सिर्फ काउच पे बैठा होगा, माँ बाप बोलेंगे बैठा क्यों है, पढ़ाई क्यों नहीं करता, खेलता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं है. तो वी आर टॉच टू डू यू नो थिंग्स कंटिन्यूसली. तो हम ह्यूमन बींग्स तो है नहीं, हम ह्यूमन डूइंग्स है जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं. और जब हम बड़े होते तो शर्म आती है, इसे कैसे बैठ जाऊं मैं, हाउ डू आई टेक अ डे ऑफ, अगर मैं बीमार हूँ तो सही है, अगर काम है तो सही, ऐसे कैसे ले लूं. तो फिनलैंड में वो थोड़ा सा बदल दिया है, वहाँ पर पीपल आर लिविंग वेरी स्लो पेस लाइफ. और मैं आज एक आर्टिकल में ये भी पढ़ रहा था कि फिनलैंड के लोग काफी रिजर्व्ड भी होते हैं. I guess we find them reserved because they like spending time with themselves and their family. Because end of the day, अगर हम देखें कितना भी हम पीछे जाए, अगर आपके पास support system अच्छा है family में, आपकी mental health better होती है. हमारे India में अपने ही लोग हमें ज्यादा criticize करते हैं, वो चीज नहीं मिलती, या हमें इतना baby sit करते हैं कि हमें individuality ही नहीं मिलती है. बट हम जहाँ तक मेरा रिसर्च है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, फिनलैंड में लोग आर वेरी स्लो पेस्ड पीपल. दे गिव टाइम टू देयर फैमिली, दे डोंट इंटरैक्ट विद पीपल जहाँ उनको वैल्यू नहीं लगता है. किताब पढ़ते हैं टेलीविजन की जगह, इंस्टाग्राम की जगह, अभी भी कोई कोई रेडियो सुनते हैं. सो आई गेस यू नो दैट डेफिनेटली गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो फिनलैंड से हमें क्या सीखना चाहिए कि अपने आप के कंपनी को एंजॉय करना सीखो, अपने फैमिली को टाइम देना सीखो? यस, एब्सोल्युटली. आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, चाहे वो अपनी हमारी ब्लड फैमिली हो चाहे चोजन फैमिली हो, वी नीड टू नो आवर प्रायोरिटीज क्या है. बट उन प्रायोरिटीज में ये नहीं होना चाहिए, दोज शुड नॉट बी एक्सटर्नल वैलिडेशन प्रायोरिटीज, कि मेरे पास पैसा होगा तभी मैं खुश हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी तभी मैं खुश हूँ. यू नो इट शुड बी मोर, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं, अगर मेरे पास एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्टेनिटी है, अगर मैं कंपैरिजन में नहीं लगी हूँ, अगर मेरा खाना पीना हेल्दी है, अगर मैं वीकेंड पे, ठीक है एक वीकेंड पे बाहर जाके मैंने अल्कोहल इंटेक कर लिया, अगले वीकेंड पे मैंने बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स किया. So I guess all these things we need to learn from people who have these happier indexes. और मेरा एक perception है, I may be wrong, but मैं ये सोचता हूँ कि countries जैसे कि US, UK, Finland ले लो, वहाँ पे लोगों के work-life balance काफी stable है compared to our country. Absolutely, there is no second thought about it. People know boundaries. People know where do I stop and you begin. यहाँ पर वर्कोहोलिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस को रेडिक्यूल किया जाता है, शेम किया जाता है, और वो वहीं से आता है जहाँ पर हमें शर्म आती है, हम बैठे क्यों, खुद के साथ टाइम क्यों स्पेंड करें. तो यहाँ अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस हम ले आए, ऑटोमेटिकली आई विल हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, आई विल टेक राइट डिसीजन, और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. और वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं है मेरी जिंदगी में, ऑटोमेटिकली मैं 12 घंटे 14 घंटे भी काम कर लूं, मेरी प्रोडक्टिविटी 5-6 घंटे की ही है, लेकिन दिमाग पर एक स्थान पूरा 24 घंटा है. एग्जैक्टली. एंड फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एनी टिप्स इन इस देश के दुखी आत्माओं के लिए ताकि वो एक हंसी खुशी जिंदगी बिता पाए? इफ यू वॉन्ट टू सी द चेंज, बी द चेंज. दूसरों का इंतजार मत करो,
हम सबके गोल्स अलग होते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर मत करो. आप देखो आपके गोल्स क्या है और उन गोल्स पे काम करो. देखो देयर इज समथिंग यू नो वी हैव बीन ब्लेस्ड विद, दैट इज ब्रेथ. और एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ओनली कंपेनियन फ्रॉम आवर बर्थ टू डेथ इज आवर ब्रेथ. और यही ब्रेथ का ध्यान रखो. डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कनेक्ट विद इट, मेडिटेट. आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चलेंगी. अगर आप स्मोक करते हैं, आपके पास हैबिट्स खराब है, आप बार बार बीमार होते हैं, आपके लंग्स इम्पैक्ट होते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, आपको बाकी सारी बीमारियां, आर्थराइटिस या कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज हो सकते हैं. तो प्लीज अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ भी मच मच बेटर. और दूसरों का इंतजार मत करो कि कोई कुछ करेगा तब हम फॉलो करेंगे. अपना ख्याल आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं, प्राइम मिनिस्टर की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, आपके पेरेंट्स की नहीं. यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फिर देखो मैजिक कैसे होता है. बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू बी, दैट यू वॉन्ट टू सी. यस. वेल, इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. यू डू वंडरफुल थिंग्स एंड आई लव टू बी पार्ट ऑफ दीस थिंग्स. तो दुखी आत्माएं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. क्या बता कल हो ना हो. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ. तब तक सुनते रहिए FII ओनली ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट. दिस इज an ABP लाइव पॉडकास्ट.